अगला सवाल जिहड़ा है वो प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी उन्होंने जवाब देंगे। सवाल सीगा कि वो लिखते हैं कि वीर जी मैं सुनिया है कि सारे ही कहते ने इंग रोमनाइज च कि प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह प्रभु का सिमरन करके ही ये जीवन सफल हो सकता है। तो ये सवाल सी प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी ने बेनती है वे तो जवाब देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी गुरबाणी के आधार से प्रभु की सिफत सलाह या प्रभु सिमरन की है, इस संबंधी बेनती है कि गुरबाणी के विच तीन शब्द हैं जो समर्थक शब्द हैं। उस एक चेता पंजाबी का शब्द है, याद हिंदी का शब्द है, सिमरन ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तिन्ने ही शब्द गुरबाणी विच वरत के सतगुरु सच्चे पातशाह ने साडा यह मार्गदर्शन किया है कि सिमरन तो बिना गुजारा नहीं। जिवें पंजाबी विच पहला शब्द वरत्या, चेता ही तां चेत साहिब सच्चा सोतनी, या नौवें पातशाह का शब्द है चेतना है तो चेत लै। इत्थे भी शब्द का मतलब चेता, याद या सिमरन, समर्थक लफ्ज। सिमरन याद शब्द जिहड़ा वो खाना पीना हसना बाद जब लग रिदन आवे याद, याद शब्द भी सिमरन वास्ते ही आया, चेता शब्द भी सिमरन वास्ते आया। और सिमरन तो हजारां वारी आया, कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, जां हालत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजे, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। इसलिए असीं कह सकते हाँ कि सिख ने वाहेगुरु जी की होंद ते हजूरी विच दृढ़ विश्वास रख के हर समय उठदिया बहिंदिया सौंदिया जागदिया हर को नाम जप निर्मल करन, परमात्मा वाहेगुरु जी नूं याद रखना ते नेक कर्म करके अपने जन्म नूं सफल करना है। सिख रहत मर्यादा अनुसार अमृत वेले दी संभाल, उपरंत बहिंदिया उठदिया हर नाम ते आवे, हर समय सास ग्रास रब नूं जां गुरु नूं चेते रखना कि गुरु साहब ने साडे लई की हुकम कीते ने। आम तौर ते इह शब्द गुरबाणी विच वरत्या, मन वच कर्म प्रभ अपना ध्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है, मन करके बचना करके कर्मा करके। इसलिए साड़ी रोजाना अरदास विच भी जदों खालसा जी दीआं मंगां दा जिक्र आउंदा है, प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, तीन वारी लफ जाण दा मतलब की है कि तिन्ने वार मन करके बचना करके कर्मा करके असी वाहिगुरु नूं जपना है, याद रखना है। दूजे शब्दों विच इह कह लईए कि असी उठदिया बहिंदिया सौंदिया जागदिया खांदिया पहनदिया ब्याह शादी खुशी गमी मरने परने वेले जदों घर दे विच कोई भी समागम होवे सानू गुरु पातशाह याद रहने चाहीदे ने, और किसी भी किस्म के जात वितकरे तों उपर उठ के असीं हमेशा ही ये याद रखना है कि जो दिसै सो तेरा रूप। ये गल्लां नूं समझ के सरबत दा भला मन दे विच रख के असी स्वास स्वास उस वाहेगुरु नूं याद रख के अपनी जिंदगी बतीत करनी है। सो जिहड़ा भी शब्द सिमरन आया, चेता आया, या याद आया, या प्रभु की सिफत सलाह, वे सानू हर समय वह परमात्मा वाहेगुरु की याद साडे हिरदे विच रहे। मैं समझदा हाँ सिफत सलाह या सिमरन इहदे अर्थ यही लै जा सकदे ने कि कदे भी परमात्मा वाहेगुरु मन ते ना विसरे। उहदा सबूत है कि साडे जीवन दे विचों ओ प्रभु सिमरन प्रगट होना चाहीदा। मन करके परका बुरा ना रखो चीज, बचना करके गंढ प्रीति मिठे बोल, टूट प्रीत गई बुर बोल, बुरे बोलन दे ना प्रीत ना, कर्मा करके ऐसा काम मूले ना कीचे जित अंत पछताइए। सो हर वेले स्वास स्वास सिमरन दा मतलब गुर उपदेश ते परमात्मा दी याद और नेक कर्म
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਭ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂ ਕਵਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਜਿਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਾਂ ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿਮਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ।